हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस टूर्नामेंट। फ्रेंच डिफेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विना वर वेरिएशन नाइट C3। E4, E6, D4, D5, दिस इज अ फ्रेंच डिफेंस एंड विना वर वेरिएशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन अगेंस्ट फ्रेंच। नाइट C3 के बाद मेन लाइन है बिशप B4। बहुत बार मैंने बता भी दिया है आपको, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख भी चुके हो, लेकिन आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ मेन लाइन के बारे में विनावर में BB5 की मेन लाइन E5। ये प्रॉपर रिप्लाई है, ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होता है यहाँ पे C5। A3 वाइट से खेलना है बिशप टेक C3, बी टेक C3। यहाँ तक सबको मूव आ जाएंगे, 6 मूव हो चुके हैं विनावर वेरिएशन में। अब मेन लाइन है नाइट E7। व्हाइट को रिप्लाई देना है क्वीन G4 अटैक ऑन G7। ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन G7, सरप्राइज मूव, एक पॉन सेक्रीफाइस और किंग साइड के दो पॉन सेक्रीफाइस करने के बाद ब्लैक यहां पे अटैक क्रिएट करता है, लेकिन इस अटैक का जवाब व्हाइट के पास कम्प्लीटली है। जब अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देख लोगे तो आप पॉन प्लस होके आराम से गेम खेल सकते हो। आफ्टर क्वीन C7 यहाँ पे आपको क्वीन टेक्स पॉन मार देना है, रुक G8 के बाद क्वीन इंटू H7। अब यहाँ पे ब्लैक खेलेगा पॉन टेक्स पॉन। देखिए यहाँ आपको गलती नहीं करनी है, विनावर में जब भी C takes D4 है आपको अलर्ट रहना है क्वीन C3। अगर आपने यहाँ पे C takes D4 कर दिया मान लो कि, तो ये ब्लंडर होगी और कंप्लीटली ब्लैक विन हो जाएगा डबल अटैक से। यहाँ आप देख सकते हो क्वीन C3 बहुत ही डेंजर अटैक और ये ब्लैक विनिंग है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना चाहिए अगर ब्लैक पॉन टेक्स पॉन करता है, बेस्ट रिप्लाई है। यहाँ तक गेम इक्वलाइज है, नाइट E2 इज अ बेस्ट चॉइस। यहाँ पे नाइट E2 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा NBC6 और यहाँ आपको F4 करके सेंटर पॉन को सपोर्ट करना है, अभी भी आपको ये पॉन मारना नहीं। F4 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा D takes C3। अब आपको यहाँ पे क्वीन D3, ये सब मूव्स ध्यान रख के खेलने होंगे। कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं Knight takes C3 की और वहाँ पे ब्लैक कैन सेक्रीफाइस इज Knight to E5। तो ये गलती नहीं हुए। पॉन टेक्स पॉन के बाद क्वीन D3 आपका बेस्ट चॉइस होगा, यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा D4 और यहाँ आपको Knight takes D4, Queen takes D4, Bd7 और यहाँ पे Rook to G1। अब आप ये दोनों पॉन G4 और H4 करके आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ पे 12th मूव में D4 के बदले कुछ थोड़ा सा चेंजिंग। अब आप सोचोगे ये ब्लैक पॉन क्यों देगा, नहीं देगा तो ब्लैक के पास और बेस्ट चॉइस है Knight F5। Knight F5 में आपके पास रिप्लाई है Knight to C3, ब्लैक रिप्लाई देगा Knight D4, Bb2, उसके बाद Bd7 और यहाँ भी वाइट का अपर हैंड रहेगा। एक और वेरिएशन देखेंगे, क्वीन G4 के बाद चलिए Knight E7 के बाद क्वीन G4। अब देखो यहाँ पे अगर ब्लैक ने शॉर्ट कैसल कर दिया, कुछ गेम्स शॉर्ट कैसल के साथ हुई है इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, तो यहां आपको खेलना होगा Bd3, ब्लैक रिप्लाई देगा C4, यहां Bh6। अब G6 पे चेकमेट की थ्रीट है तो Knight G6 इज ए बेस्ट चॉइस। यहां आपको Bd6, Fd6, उसके बाद बिशप को वापस ले लेना है E3 पे, ब्लैक रिप्लाई देगा Knight C6 और यहाँ से H4 देन H5।
क्वीन e8 ये ब्लैक की चॉइस होती है और यहाँ पे h5 करके आप गेम प्ले कर सकते हो अग्रेसिव अटैकिंग लाइन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की फ्रेंच डिफेंस। मैंने इससे पहले बहुत सारे फ्रेंच डिफेंस के वीडियो बना दिए हैं, आप पूरी सीरीज देख लीजिए। ये है मेरा 6th वीडियो इन फ्रेंच डिफेंस। इसमें आप जैसे कि विनावर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप एक्सचेंज वेरिएशन भी खेल सकते हो, पर ज़्यादातर एक्सचेंज वेरिएशन ड्रॉ होती है गेम। एडवांस वेरिएशन में आप पॉन आगे बढ़ा के, इसमें क्या होता है, ब्लैक c5 करता है, व्हाइट c3 करता है, नाइट c6, नाइट f3, क्वीन b6, ये पॉन पे प्रेशर। यहाँ पे हम एक डिस्कवर्ड अटैक क्रिएट करते हैं। ये एक छोटी सी ट्रैप है दोस्तों, इस छोटी सी ट्रैप में शायद कोई जो अननोन प्लेयर है वो फंस जाते हैं। नॉर्मली जो फ्रेंच डिफेंस खेलने वाले प्लेयर नहीं फंसेंगे, नया नया फ्रेंच डिफेंस किसी ने सीखा है तो वो फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, देन बिशप b5 डिस्कवर चेक एंड व्हाइट विल विन इजीली द क्वीन। तो एक ये छोटी सी ट्रैप है, इसीलिए फ्रेंच डिफेंस की जो बात हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ताकि आप कभी ये ट्रैप में फंसो नहीं। एडवांस के बाद और भी वेरिएशन है, जैसे कि तारास जिसमें नाइट d2 करके, इसमें भी बहुत सारी गेम है, पर मुझे ज़्यादा पसंद है दोस्तों विनेवर वेरिएशन नाइट c3 वाला। इसमें आगे एक और भी लाइन आएगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो नाइट f6 सेकंड में थर्ड मूव नाइट f6 वाला, ये भी हम देखेंगे। अभी आपको देखना है बिशप b4 वाली मेन लाइन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, हर एक वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि जो भी मैं ओपनिंग बनाता हूँ पूरी सीरीज के साथ बनाता हूँ, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब होना जरूरी है, बेल आइकॉन प्रेस करके रखे, हफ्ते में 3 वीडियो मेरे कंटिन्यूज आपको मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।